उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विक्रम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों से चर्चा की। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीसी के माध्यम से उज्जैन के बृहस्पति भवन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों से विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संचालन, परीक्षा परिणाम, प्रायोगिक परीक्षाएं, नवीन पाठ्यक्रमों आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि महाविद्यालयीन परीक्षाएं समय सीमा में कराया जाना सुनिश्चित करें। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए कि महाविद्यालयों में एलएलबी फाइनल की परीक्षाएं हो गई हैं, तो उनके परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए जाएं। विद्यार्थियों को कोविड महामारी में किसी प्रकार की तकलीफ न उठानी पड़े, यह सुनिश्चित किया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि परीक्षा सेंटरों की संख्या बढ़ाएं, बार बार नामांकन की प्रक्रिया न हो, इसका अवश्य ध्यान दिया जाए। महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन तथा नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन, यूनिक आईडी पात्रता के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। उच्च शिक्षा विभाग की वीसी के माध्यम से मैंने आगामी सत्र में हमारी परीक्षाओं का संचालन समय सीमा में हो जाए, जो पद्धति हमने तय की उसका पालन हो जाए, उसी प्रकार से रिजल्ट भी समय सीमा में आ जाए और कोरोना के कारण से किसी को कष्ट नहीं हो, इसके स्पष्ट निर्देश भी दिए और इसकी विस्तार से चर्चा की। हमने कोशिश की है कि जो विश्वविद्यालय जैसे देवी अहिल्या, विक्रम विश्वविद्यालय, इनके आसपास के या स्कूल तक अगर कापियों का संग्रहण केंद्र बनाना चाहते हैं ओपन बुक परीक्षा का, तो उसकी भी छूट हमने दी है। लेकिन विश्वविद्यालय की अलग अलग परिस्थिति, उस परिस्थिति के आधार पर वो हमारे समय सीमा में परीक्षा का संचालन बगैर दिक्कत के कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार कर ले, ये उसको इस तरह से इंसिस्ट किया है। दूसरा प्रयास ये किया कि जो नए कोर्स खोलना है, उन नए कोर्स के बारे में हमने आग्रह किया है और नए कोर्स जैसे हमारे सभी विश्वविद्यालय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, उकर उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज खोलेगा, ये निर्णय हमने कराया है। जीवाजी विश्वविद्यालय भी मेडिकल कॉलेज खोलेगा, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज भी वो खोले, और इसी प्रकार से जो कोर्स रोजगार तुरंत देते हैं जैसे एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, पशुपालन है, वेटनरी कॉलेज के कोर्सेस हैं, इसी प्रकार से हमारे पैरामेडिकल और नर्सिंग और ये एग्रीकल्चर के ये सारे कोर्स हमारे रेगुलर कॉलेज भी अपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए या डिग्री भी खोले। प्रयास ये है कि हमारे विश्वविद्यालय में परीक्षा और कोर्स उसी प्रकार से होना चाहिए जो जीवन में काम आए, और इसी बात का लगातार आग्रह भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से कई कई विद्यार्थियों को बिना बात के परेशान होना पड़ता, पैसा भी देना पड़ता, जैसे इनरोलमेंट नंबर लेने के लिए उसको बार बार पंजीयन हर साल कराना है, तो जब एक बार किसी विश्वविद्यालय में नामांकित हो चुका है तो आजकल तो कंप्यूटर का जमाना, बार बार नामांकन करने के लिए क्यों बुलाना चाहिए, वो इनरोलमेंट नंबर एक ही बार होना चाहिए, वो पूरे प्रदेश में भी काम आ जाए, इस तरह से भी हम प्रयास कर रहे हैं। आगे जाकर के उन्नत तरीके से अगर हम करेंगे तो सभी विश्वविद्यालय इंटरनल व्यवस्था के आधार पर वो अंदर से भी एकीकृत रहे, तो हमारा कोई बच्चा कभी भी पंजीकृत होता है वो किसी विश्वविद्यालय में कहीं भी जा करके, तो वो अपने मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग में पंजीकृत माना जाएगा।